हम नाउन की और वर्ब की बात कर रहे थे ना अलका जी, तो मैं आपको ये बता रही थी कि नाउन और वर्ब आपकी फीलिंग्स पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है? आप खुश हो इसलिए नाउन लगा रहे हो और दुखी हो इसलिए वर्ब लगा रहे हो, ऐसा नहीं होता। हम बात कर रहे थे इस वर्ड की, डेलिवरेंस की। तो ये जो डेलिवरेंस जो वर्ड है ये नाउन के फॉर्म में यूज हुआ है यहाँ, ठीक है? अब अगर आपने, आपका ये डाउट था कि हम यहाँ टू टू गेट फ्री, कुछ ऐसा डाउट था आपका, क्या डाउट क्या था आपका? ये जो आपने टू गेट टू रिड गेट ऑफ रिड लगा दिया ना, ये यहाँ वर्ब हो गया है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूं? मैंने यहाँ जो डेलिवरेंस यूज करा है इसमें, ठीक है, टू गेट रिड ऑफ का मतलब भी क्या होता है? छुटकारा पाना। एक तो ये कि ये सारे वर्ड्स अलग है। मैंने हाँ अभी अभी आपको बताया साल्वेशन का मतलब मोक्ष होता है, जो कि किसी इंसान की मृत्यु के बाद जो बॉडी जो आपकी फ्री होती है, जो मुक्त होती है, उसको साल्वेशन बोलते हैं। मोक्ष इसका अप्रोप्रिएट वर्ड है, ठीक है? डेलिवरेंस का मतलब होता है, डेलिवरेंस का मतलब होता है अलका जी मुक्ति। फ्रीडम का मतलब होता है आजादी। और टू गेट रिड ऑफ समवन का मतलब होता है छुटकारा पाना। टू गेट रिड ऑफ समवन का मतलब होता है छुटकारा तो पाना। अपन 1 मिनट, डिलीवरेंस की जगह फ्री वर्ड एक यूज तो कर मैं आपको सकते हैं। बता दूं कि टू गेट रिड ऑफ समथिंग ये एक्चुअली एक फ्रेज है, ठीक है? ये एक फ्रेज की तरह यूज होता है, ठीक है? तो जैसे इसमें है, इसमें सेंटेंस था, सेंटेंस क्या था? ये वाला मानवता की मुक्ति, ठीक है? आज मानवता की मुक्ति, यहाँ जो ये वर्ड है ना मुक्ति, एक तो सत्य क्योंकि का रास्ता। आज मानवता की मुक्ति, अलका जी एक तो ये जो वर्ड है ना मुक्ति, ये बहुत ही अप्रोप्रिएटली दिया हुआ है यहाँ, ठीक है? मुक्ति दिया हुआ है यहाँ। मैं वन ऑन वन में आपको बता रही हूँ कि मुक्ति जो है ना बहुत अप्रोप्रिएटली और बहुत साफ दिया हुआ है यहाँ। इस साफ का मतलब होता है कि वो आपसे चाहता ही ये वर्ड है, ठीक है? वो आपसे एक प्रॉपर वर्ड चाहता है। वो अगर टू गेट रिड ऑफ चाहता तो वो लिख देता यहाँ छुटकारा पाना, ठीक है? यहाँ क्योंकि उसने छुटकारा पाना नहीं लिखा है, तो टू गेट रिड ऑफ लिखना एक गलत चीज हो जाएगी। उसने यहाँ मुक्ति लिखी है तो हमें डेलिवरेंस वर्ड यूज करना चाहिए। दूसरी बात ये कि छुटकारा पाना हम यहाँ लिख भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ फ्रेज की जगह नहीं है, ठीक है? ये अगर वो वैसे लिखता तो हम फिर छुटकारा पाने में टू गेट रिड ऑफ लिखते, ठीक है अलका जी? और अच्छा, और ये नाउन एक और अपन वर्ब यहाँ का पे कॉन्सेप्ट इतनी आपको वर्ड समझ में लेके आ रहा है आए। ना धीरे धीरे, कि नाउन क्या होती है, वर्ब क्या हाँ होती हाँ है, बिल्कुल आ कैसे रहा अलग अलग कैसे लगती है। मैं आपको और अच्छे से इसे एक्सप्लेन कर दूंगी, आप पहले एक बार डाउट पूछ लो अपने। है। और और ये अपन ये बोल रहे हैं ना, ये पूरा विश्वास है उन्होंने इस पर, ठीक है। अदृश्य शक्ति, ठीक है, अदृश्य मैंने शक्ति, इसको अदृश्य शक्ति, ठीक है, इनविजिबल कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है। हाँ नहीं होता, हम मैं इसको इनविजिबल बोलना चाह रही थी, इनविजिबल जो दिखाई ना दे, हाँ ठीक अदृश्य। है, मैं इस तो इनविजिबल पावर, और आपने लिखा है अनसीन पावर, तो दीज आर द टू सिमिलर वर्ड्स ना। सिमिलर वर्ड्स इनविजिबल या अनसीन आर सिमिलर वर्ड्स, कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, ठीक है? प्रिफरेबली डिपेंड करता है कि वहां कौन सा एग्जैक्ट मीनिंग दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से वो प्रिफरेबली कौन कौन सा वर्ड होगा, ठीक है? बट क्योंकि ये अदृश्य दिया हुआ है विच इज क्वाइट सिमिलर टू अनसीन एंड इनविजिबल, तो ये दोनों वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं। ठीक है, और अपन पर इन आपने जो लिखा था इसमें वो एक ये आपने है था, ना ये वाला, हाँ आपने जो वर्ड लिखा था वो इन विजुअल कुछ ऐसा वर्ड था जो कि कोई वर्ड ही नहीं होता है, इसलिए मैंने वहां काटा था। इनविजिबल लिखना चाह रही थी, वो गलत हो गया, इनविजिबल। हाँ वो वर्ड नहीं होता अपने आप में कुछ। अच्छा, और ये है एक आपने है ना इसमें एक वर्ड और है इसमें। हाँ, ये एक परपीचुअल पीस लिखा है आपने। परपीचुअल मतलब होता है शाश्वत, ठीक है। और मैं यहाँ पे कौन सी पीस लेके आई हूँ, मैं पीस लेके आई एक तो हूँ। आप मेरे को हिंदी बताओ कि हिंदी में क्या लिखा होता है, क्योंकि मैंने जो इंग्लिश लिखी है फिर वो हिंदी के हिसाब से लिखी है। परपिचुअल का मतलब ऐसे लगातार होता है, कोई चीज लगातार होती है, नित्य होती है, तो उसे परपिचुअल बोलते हैं।
हिंदी क्या थी? हाँ शाश्वत जो हमेशा से है और एग्जैक्टली. शाश्वत तो पर पीछे मैंने लिखा है, एक मिनट मैं मेरा बताती हूँ आपको। है कहाँ ही वर्ड. अब मिलेगा नहीं, ये रहा, ये रहा, एक मिनट, ये रहा ना आपके में, ये रहा। मैंने लिखा है इमोर्टल पीस, ये रहा अमर शांति, ऊपर ही ऊपर ठीक से सेकंड लाइन, है मिल गया, मुझे मिल गया. इंटरनल एक्सटर्नल। हाँ और मैंने लिखा है इमोर्टल, इमोर्टल, एक तो मॉर्टल वर्ड होता है, एक इमोर्टल होता है, एक नाशवान और अनाशवान, तो मैंने इमोर्टल वर्ड लिखा है, आपने लिखा है परपिचुअल पीस, मैंने लिखा है इमोर्टल, तो ये वर्ड क्या अटका, एक और वहां नहीं है। हिंदी में है अमर शांति. हाँ अमर शांति लिखा है। ये एक्चुअली ना अलका जी, ये अंडरस्टैंडिंग का भी फर्क हो सकता है. ठीक है, अब मैं यहाँ से दो चीजें बता देती हूँ. ये अमर शांति दो तरीके से हो सकती है. एक अमर शांति हो सकती है अमर यानी हमेशा मतलब जीवित रहने वाली, इमोर्टल, जिस सेंस में आपने लिखा है. ठीक है, एक हो सकती है अमर वो हाँ मैंने चीज, मतलब दोनों का ही ऑब्वियसली सेंस तो सेम है, क्योंकि अगर यहाँ हम अमर शांति बोल रहे हैं इसका मतलब वो इमोर्टल है, इसका मतलब वो हमेशा चलती रहेगी. ठीक है, लगातार रहेगी, तो इसलिए ये वर्ड्स इस तरीके से लिखे गए हैं. बाकी वैसे देखा जाए तो परपिचुअल और इमोर्टल का मतलब बहुत अलग अलग होता है. ठीक है, इनका मतलब एक्चुअल में बहुत अलग अलग होता है. परपिचुअल का मतलब कोई चीज लगातार चलते रहना, परपिचुअल का मतलब अमर रहना तो नहीं होता कम से कम. ठीक है, इमोर्टल का एग्जैक्ट मतलब होता है अमर रहना, परपिचुअल का मतलब होता है लगातार चलते रहना, सतत चलते रहना. ठीक है, वो होता है परपिचुअल का मतलब. बट क्योंकि यहाँ अमर तो अब शांति यहाँ पे है, कौन सा वर्ड लेके आ रहे हैं? क्या पर क्योंकि यहाँ अपन यहाँ पे कौन सा वर्ड लेके आ रहे हैं? आप यहाँ परपीचुअल लिख सकते हो, आप यहाँ इमोर्टल भी लिख सकते हो. मैं आपको बता रही हूँ रीजन क्या है. रीजन अंडरस्टैंडिंग का फर्क पड़ता है. इसमें हमने अमर शांति को दो तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं. अमर शांति वो जो एक्चुअल में यू नो लाइक मरेगी नहीं, एक दूसरी मेरे सेंस में ये वो अमर शांति है जो चलती रहेगी. ठीक है, ये अमर शांति मरेगी नहीं वो वाला सेंस नहीं है इस सेंटेंस में, इस अमर शांति का. ठीक है, तो अगर मरेगी नहीं सेंस में आता है तो इमोर्टल होता है, जिसकी गॉड्स इमोर्टल होते हैं. ठीक है, पर लगातार चलते रहेंगे, लगातार रहेगा, उस सेंस में परपिचुअलिटी एक वर्ड है, परपिचुअलिटी एक कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए यहाँ परपिचुअल लिखा है. अगर आपको यहाँ इमोर्टल या परपिचुअल में से कोई भी चूज करना है विद द सेंस ऑफ सेइंग इट, देन यू कैन चूज ईदर वन. ठीक है, एक्चुअली ना क्योंकि इमोर्टल अमर हो जाता है, और अमर एक ऐसी चीज होती है जो चलती भी रहती है. यू नो, अगर कोई चीज अमर है तो वो फिर वो चलती भी रहेगी. इसलिए कभी कभी परपिचुअलिटी और इमोरल मतलब इमोर्टल हम ऐसे लिख देते हैं, इमोर्टल और परपिचुअल को. नो डाउट इन दोनों के मीनिंग्स अलग अलग हैं, शुड नॉट बी यूज इंटरचेंजेबली एट ऑल, बट डिपेंड्स कि आप कौन से सेंटेंस में किस तरीके से उसको पढ़ते हो और इंटरप्रेट करते हो. ठीक है, रॉन्ग कंसिडर नहीं करा जाएगा अगर उसे इंटरप्रेट सही तरीके से करा गया तो. ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कौन चेक कर रहा है, कौन देख रहा है. और एक, हाँ हाँ वो तो ठीक है। हाँ एक आपने है ना इसमें, हाँ एक आपने लिखा है गांधी जी एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ हैड कन्विंस्ड हिम बियॉन्ड डाउट दैट ट्रूथ ट्रूथ ऑलवेज ट्रम्प्स ट्राइम्स, एंड, यहाँ तक पढ़ती हूँ बस, ट्रम्प्स। ठीक है, माने तो विजय होना होता है। हाँ ट्राइम. ठीक है, अब ये जो आपने वर्ड लिखा है ना डाउट, डाउट DOUBT है ना, हाँ तो ये डाउट जो वर्ड है ये अपने तो इंग्लिश सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस में कहीं आया ही नहीं। गांधी जी ईश्वर का पर्याय मानते थे, उनका ईश्वर में पूरा विश्वास था, जिसका वर्णन उन्होंने इस प्रकार किया है कि ईश्वर एक अदृश्य शक्ति है। सत्य के साथ गांधी जी के प्रयोगों ने उनके इस विश्वास को पक्का कर दिया था, पक्का कर दिया था कि सेंस में आया है ये. जब आप किसी चीज से कन्विंस हो जाते हो बियॉन्ड डाउट, बियॉन्ड एनी डाउट, यानी आप पक्का कन्विंस हो गए हो, उस सेंस में मैंने यूज किया है. अगर आप बोलते हो ही वॉज कन्विंस्ड कंप्लीटली तो भी सही है. मैंने लिखा है बियॉन्ड डाउट, वो मेरा कंप्लीट सेंस में है. ये जो वर्ड्स हैं बियॉन्ड डाउट कंप्लीटली, ये यही डिस्क्राइब करने के लिए होते हैं कि मतलब जैसे ये जो वर्ड है पक्का, वो चाहे तो सिर्फ ये भी बोल सकता था कि ये गांधी जी को विश्वास हो गया था, पर उसने बोला उसे उन्हें पक्का विश्वास हो गया था. आप समझ रहे हो, वो पक्का वर्ड पे स्ट्रेस चाहता है, वो चाहता है कि आप इस पक्का वर्ड को भी लिखो. अगर आपको इस पक्का वर्ड को लिखना है तो आप दो तरीके से लिख सकते हो. आइदर आप लिखो
गांधी जी वॉज कन्विंस्ड बियॉन्ड डाउट. बियॉन्ड डाउट का मतलब होता है पक्का कन्विंस हो जाना, या फिर ही वॉज कन्विंस्ड कंप्लीटली. वो पर जब आप कन्विंस कंप्लीटली लिखोगे ना, तो कंप्लीटली का मतलब होता है वो पूरा कन्विंस हो गए थे. कंप्लीट का मतलब होता है पूरा, होल, ठीक है? तो वो पूरा कन्विंस हो गए थे. पर जब आप लिखोगे बियॉन्ड डाउट, तो लिखोगे कि पक्का कन्विंस हो गए थे. ठीक है,